2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब महिलाओं ने यह आवाज उठाई थी कि बिहार में शराब बंद होना चाहिए, तो नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लपक लिया था और हर गांव में शराबबंदी के नाम पर यानी शराबबंदी कानून लाने के नाम पर महिलाओं से वोट मांगा था और उस साल महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार का साथ दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने भी अपने वादा को पूरा किया, महिलाओं से किए हुए उन वादों को पूरा किया। सत्ता में आने के बाद 2016 में उन्होंने पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर दिया। आज पूरे बिहार में शराबबंदी कानून है, लेकिन उसी वक्त उन्होंने एक और काम किया था कि बिहार के अलग अलग मुख्यालयों पर नशा मुक्ति केंद्र खोला था ताकि वैसे लोग जो नशा के आदि हो चुके हैं उनके नशे को छुड़ाया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। और फिलहाल हम बक्सर के सदर अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र पर है और नशा मुक्ति केंद्र से आपको दिखा रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र का क्या हालात है। क्योंकि 2016 में जब बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया तो ये कोशिश की गई कि जो लोग नशे के लत में हैं उनके नशे को छुड़ाया जाए। हम उसी एक वार्ड में है जो नशा मुक्ति केंद्र का वार्ड है और आपको वार्ड दिखाएंगे, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये नशा मुक्ति केंद्र है। इस बिस्तर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज इस पर कब रहा होगा, जिस तरीके से बिस्तर फट चुका है और यहाँ पे चार बेड लगे हैं, चार बेड देख सकते हैं कि यहाँ पे ना बेडशीट है ना तकिया है और कोई भी तैयारी नहीं है। तो सोचिए असर देखिए, शराबबंदी कानून को लागू की गई लेकिन उस कानून को पूरा करने के लिए किस नियत से काम किया गया कि जिस नशा मुक्ति केंद्र को खोला गया आज खुद वो बीमार हालात में है और यहाँ पे कोई भी मरीज नहीं आ पाते हैं। वजह है साफ साफ कि ताला बंद रहता है, कोई भी कार्यालय में नहीं बैठता है, इसके प्रभारी जरूर नियुक्त किए गए हैं लेकिन यहाँ पर कोई परामर्श लेने नहीं आ सकता है क्योंकि परामर्श केंद्र बंद है। और आपको बता दें कि फिलहाल हम बक्सर जिला में है तो न केवल बक्सर जिला के बाहर भी कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग नशा करते हैं। बक्सर में भी कई बार यह खबरों में आती है कि यहाँ कई लोगों को गांजे के साथ पकड़ा गया, हीरोइन के साथ पकड़ा गया और अखबार के सुर्खियों में हर दिन शराब पकड़ने की चर्चा होती है। तो आप सोचिए कि शराबबंदी होने के बावजूद भी जब हर दिन शराब पकड़े जाते हैं, इसका मतलब साफ है कि बिहार में शराब भी मिलते हैं और लोग शराब भी पीते हैं। तो जब शराब पीने वाले लोग मौजूद हैं और अलग अलग नशे के लत करने वाले लोग मौजूद हैं तो फिर नशा मुक्ति केंद्र का हालात ऐसा क्यों है, यह सवाल बार बार उठता है। लेकिन यहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं है। हमने प्रभारी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उन्हें फोन किया, उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। और आप बिस्तर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नशा मुक्ति केंद्र में मरीज कैसे रहेंगे, किस हालात में रहेंगे और नशा मुक्ति केंद्र का क्या तैयारी है। अब आइए आपको बगल वाले कमरे में ले चलते हैं तो वहां के भी आप हालात देख सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र जो है, ये वार्ड सामने वाला वार्ड है, ताला लगा हुआ है और इसके अलावा सारे कार्यालय में ताला लगा हुआ है। अब ये सामने हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये नशा मुक्ति केंद्र के लिए शौचालय बनाया गया, खास करके जो महिलाएं होंगी उनके लिए शौचालय बनाया गया है। लेकिन जैसे ही आप एंट्री करिएगा सामने आपका दर्शन कूड़ा से होगा, कूड़ा का ढेर है और इसी तरीके कमों पे यही हालात अंदर भी है। सामने डस्टबिन दिख रहा है, नल से पानी नहीं आता और इस पूरे शौचालय को एक तरह से कूड़ा घर बना दिया गया है, कचरा घर बना दिया गया है। लेटरिन का हाल आप देख सकते हैं और इसी तरीके से पूरे जो हालात है बद से बदतर है। और आप देखिए कि जो इंजेक्शन को कहा जाता है इसको सेफ्टी से रखा जाना चाहिए, इसके लिए स्पेशल डब्बा होता है उसमें रखा जाना चाहिए, तो ऐसे ही फेंक दिया गया है। इधर कोई घूमने भी अगर आता है तो उसको चुभ सकता है। कुल मिलाकर नशा मुक्ति केंद्र इस हालात में है कि यहाँ पर किसी नशेड़ी का नशा नहीं छुड़ाया जा सकता है। नीतीश कुमार भले इस बात का डंका पीटते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया है लेकिन न शराब बंद है और न ही शराब छुड़ाने की जो अस्पताल है उसमें कोई काम होता है। क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में जिस तरीके से वर्षों से ताला जड़ा है, यहाँ पर कोई डेटा बताने वाला नहीं है कि कब किसी ने यहाँ पर आकर नशा छोड़ा है। कमों में से ही हालात हर जगह के हैं कि जहां पे बिहार में नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है वहां पे बहुत कम ऐसे जगह है जहां पे नशा छुड़ाने की कोशिश की जाती है। तो बिहार सरकार लाख अपनी पीठ थपथपा ले कि हम शराबबंदी कानून को लेकर के सजग हैं, सतर्क हैं और काम कर रहे हैं, वो कहीं भी होता दिखाई नहीं दे रहा है।